वन में आप किसी विषैले सर्प को देखोगे तो आप क्या करोगे? आप तुरंत ही मुड़के उसे दूर भागने जाओगे। और ऐसा क्यों करोगे? स्वयं की रक्षा के। चलो ये बात तो मैं मान गया, किंतु जीवन में ये क्यों नहीं करते? अब जहां भी जाते हैं, जिस भी स्थान पे जाते हैं, हर एक स्थान पर, हर एक समय पर ऐसे विषैले सर्प होते ही हैं। ये वो सर्प नहीं है जो आपको वन में मिलते हैं, ये वो सर्प हैं जो आपको पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपके भीतर की वासना, क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, ये सब कुछ बढ़ाते हैं। देखिए, वन का ये सर्प, ये एक बार बख्श भी दे, हमें ना डसे, किंतु ये जो पाप साधन सर्प है, ये अवश्य ही डसेगा। कर्म करोगे तो उसका फल तो मिलेगा। इसलिए जब भी कहीं भी जाओ, आप किसी को देखोगे या आप कुछ ऐसा देखोगे जो आपको पाप करने के लिए प्रेरित करे, तो तुरंत ही उसे दूर भाग जाइए, जैसे वन के सर्प को देख के आप भागते। सत्कर्म की रक्षा आवश्यक है। आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।